पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा गर्म है और ऐसे में हुगली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी पर शनिवार को नुकसानदेह केमिकल वाला रंग फेंक दिया गया, जिससे उनकी आंख को काफी नुकसान पहुंचा है। दर्द से परेशान कपड़े के एक टुकड़े से एक आंख पकड़े हुए चटर्जी ने कहा कि वो कोडालिया इलाके में प्रचार के दौरान एक होली समारोह में पहुंची थीं, जहां महिलाएं और बच्चे गा रहे थे। उन्होंने कहा, उनके फोन करने के बाद मैं वहां गई थी, वो मेरे साथ होली खेलना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से मैंने उन्हें सिर्फ रंग से बिंदी लगाने को कहा। इस बीच दो आदमियों ने कहा कि हम निश्चित रूप से आप पर रंग डालेंगे। मुझे लगा कि वो समूह का हिस्सा हैं। लॉकेट चटर्जी ने आगे बताया कि उन दो लोगों ने मेरे चेहरे पर कुछ फेंका और फौरन वहां से भाग गए। चश्मा लगाने की वजह से उन्होंने जो चीज फेंकी थी उसे रोकने में कुछ मदद मिली। फिलहाल मेरी दाहिनी आंख में काफी जलन हो रही है। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो दूर भाग चुके थे। कुछ ही दूरी पर तृणमूल कांग्रेस का बैज लगाए कुछ लोग खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने मुझ पर कुछ फेंका था। इस घटना के बाद बंगाल बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए लॉकेट चटर्जी का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत प्रधान विद्युत बिस्वास के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं विद्युत बिस्वास ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये हमला किसने किया है। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर कांठी के सबजपुर में हमला हुआ था। उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि हमले के वक्त सौमेंदु अधिकारी कार में मौजूद नहीं थे। शुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु की कार पर हुए हमले के लिए उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आपसी नोकझोंक का सिलसिला लगातार जारी है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।